गाइस मैं हूं राजगौर और आप देख रहे हो ETC वर्ल्ड चैनल। मैं आज इस चैनल पे एक DLED का जो फॉर्म आया हुआ है वो भागना बताने वाला हूं आपको। वो ऑफलाइन फॉर्म है और कैसे आपको वो फॉर्म बहुत ऐसे जो है जो बहुत ऐसे मैंने देखा जिसको कि फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पा रहा जबकि वो ऑफलाइन है, तो किस तरह से उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे डाउनलोड करना है फॉर्म को, ऑफलाइन फॉर्म को, और कैसे फिल करना है मैं आपको उसके विषय में बताऊँगा। ये जो है आपका जो है ये नगरपाड़ा का है जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है नगरपाड़ा। अगर आप मैं अगर बता रहा हूँ आपको कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको अगर नगरपाड़ा में ये फॉर्म निकला हुआ है, अगर आपको DLED का फॉर्म फिल करना है बिल्कुल आप जाके फिल कर सकते हैं। और वो ऑफलाइन फॉर्म है। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका जो है अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड जाके कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये जो है अगर DLED होता क्या ये बता देता हूँ कि ये प्राथमिक शिक्षक का जो है इसी तरह का कुछ तैयारी होता है जिसमें कि आप DLED के लिए इसी लिए तैयारी करते हैं, टीचर के लिए मतलब टीचर ट्रेनिंग है सीधा जान लीजिए आप। और अगर आपको वो नगरपाड़ा तक जाना है तो जहाँ पे इसका मतलब कोर्स होगा वो जयमपुर स्कूल से होकर आप जा सकते हैं, वहाँ पे शायद उधर से जाता है। तो अदरवाइज कैसे डाउनलोड करना होगा बताता हूँ। अगर नॉर्मली आपको एक टैब खोलना है जिसमें कि आपको लिखना है यहाँ पे नगर अगर फॉर्म डाउनलोड करना है लिखना है आपको PTEC नगरपाड़ा। टाइप करने के बाद सर्च कर लेना है, जैसे सर्च कीजिएगा इस तरह से ऊपर पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है PTEC नगरपाड़ा करके, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से देखिए यही नगरपाड़ा का है। ये इस तरह का अंदर का क्लास है, ये कुछ केबिन्स हैं, ये पिक जो दिख रहा है आपको और यही कुछ है। यहाँ पे न्यूज में देखिए दिया हुआ है नोटिस एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन DELED कोर्स 2018 and 2019, इस पर क्लिक कर लीजिए जो सारा कोर्स है इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आता है शिक्षा विभाग बिहार सरकार प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय नगरपाड़ा भागलपुर। DLED जो है शस्त्र नामांकन के लिए सूचित किया गया है, ये इस तरह से कुछ है। और प्राथमिक शिक्षक ये रहा और विज्ञापन की सीटों की संख्या यहाँ पे दे रखा है इंटेक करके और 75+25 यानी कि सब मिला के 200 सीट है इनमें। और नामांकन है तो न्यूनतम मतलब क्या क्या चीज़ चाहिए, देखिए मैं नॉर्मल देता हूँ 10+2 पास होना चाहिए, 50% होना अगर आपको अनिवार्य है। अगर आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो कुछ 5% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर दूसरी बात है क्या कि नामांकन द्वारा नामांकन किया गया है तो सर अभ्यर्थी की आयु जो है न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए जिसका कि एक लिमिट रखा है एक जनवरी से 2018 के बीच आपका 17+ हो जाना चाहिए। और आवेदन पत्र को मोबाइल एवं ईमेल अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए, मतलब कि आपको जब फॉर्म फिल कीजिएगा ऑफलाइन का तो उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और क्या कहता है ईमेल जरूर देना होगा। और दूसरी बात है कि चयन का आधार क्या है, मैं चयन का आधार देता हूँ आपको कि चयन नामांकन हेतु चयन का आधार 10वीं एवं 12वीं कक्षा में प्राप्त अंक को प्रतिशत होगा, दोनों कक्षाओं में प्राप्त अंक की प्रतिशत की औसत निकालते हेतु नामांकन हेतु मेगा सूची का निर्णय कोटिवार किया जाएगा, प्राप्त अंकों के प्रतिशत का औसत सामान रहने पर अधिक युक्तधारी अभ्यर्थियों को चयन में प्रतिशत दी जाएगी, मतलब कि जिसका परसेंटेज अधिक रहेगा 10+2 और +10 में तो उस उनका मतलब कि ये हो जाएगा, मतलब उनका ही मेगा सूची में नाम आएगा उनका एडमिशन होगा। नीचे आते हैं तो नीचे में ऑप्शन है कि नामांकन कैलेंडर आवेदन का जो अंतिम तिथि वो 12/5/18 है शुक्रवार तक, और मेगा सूची का निर्णय जो है मेगा सूची जो रिलीज होगा वो 17/5 को रिलीज हो जाएगा, उस दिन से शुरू होगा। और मेगा सूची की सभी ये मतलब जो भी कुछ इधर का आप ये सब आप खुद पढ़ सकते हो खुद पढ़ लीजिएगा। और फिर है क्या कि यहाँ पे नामांकन प्रक्रिया बंद 27/6 को मतलब देखे होगे हो जाएगा। और दूसरी बात जो भी ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं इसका जो इसका लिंक है मैं आपको डाल दूंगा। फिर है कि कितना शुल्क लगेगा तो 11,500 रुपये शुल्क लगेगा प्रथम वर्ष आपको, और दिव्यांगों के लिए कुछ कम है पैसा। और इस तरह से ये शुल्क हो गया नामांकन में कम से कम 2 वर्षों के लिए मिल जाएगी, अच्छा है। और फिर नीचे आ जाते हैं तो कुछ हाँ अगर आप ये फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा, तो फॉर्म भरने में सबसे पहला सवाल यही आता है फॉर्म भरने के टाइम आपको 100 रुपये का ड्राफ्ट लगेगा जो कि आपको पंजाब नेशनल बैंक का होगा, और आपको इस चीज़ की इनके ये जो है आपको सही से पढ़ के इसी जगह इसी में से कुछ दिया हुआ है और किसी भी आपको भेज देना है ड्राफ्ट बना के। और कुछ नहीं नीचे आते हैं तो ये रहा ये फॉर्म है, 3 पेज का फॉर्म है, आपको इसको फिल कर लेना है बाद बाकी आपको दिख ही रहा है। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा बिल्कुल अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।